making movie. Yeah, yeah. Movie. You are my buddy. What's your name? Bunmi. Bunmi. Nice to meet you, man. Nice to meet you, friend. Yeah, very good. No, I have five babies. You have five babies? Yes, wow. Student. Only one wife or two? Not five. Wife gone. Wife gone. Yeah. Wow. And my previous blog, which you have seen, उसके बाद अभी ये सफ़र जारी है. हम एक नए जगह पे जा रहे हैं नए रिक्शे वाले के साथ नए रिक्शे में. तो आइए हमारे साथ और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. अच्छा, ये जो रिक्शा ड्राइवर था वो मुझे इधर लेके आया. पता नहीं ये पहाड़ के ऊपर कहीं बुद्धा सा बना हुआ है. तो मुझे तो ये पहाड़ लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों ने अपना समसौड़ा पहाड़ बनाया हुआ है. सो आई एम गोइंग अप देयर नाउ. लेट्स सी हाउ फार इज इट. अच्छा, ये सारे इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये एक मैन मेड माउंटेन है. उसके ऊपर एक खूबसूरत सा टेम्पल बना हुआ है जिसके ऊपर एक मूर्ति सी है और इसको गोल्डन माउंटेन बोलते हैं. और ये यहाँ के किंग्स ने बनाया, फिर गिर गया, फिर अबेंडेंड हुआ था, फिर एक दूसरे किंग ने उसको रिनोवेट कराया, फिर एक और ने रिनोवेट कराया इसको, और फिर लोकल्स ने इसको गोल्डन माउंटेन का नाम दे दिया. दिस इज द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. और आइए मेरे साथ फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का ऑलरेडी कोई हिसाब किताब स्टार्ट है ऊपर जो पूजा वगैरह कर रहे हैं. मैंने इसका पेमेंट कर दिया 50 बात. 50 बात इसकी एंट्री फी है. और अभी ऊपर चढ़ता हूँ, देखते हैं क्या ये. एक और चीज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, ये जो माउंटेन है ये मैन मेड माउंटेन है, इट्स नॉट अ नेचुरल माउंटेन जैसे कि मैंने बताया अर्लियर आपको. और ये तकरीबन 80 मीटर टॉल माउंटेन है जो यहाँ पे बना हुआ है. अ वेरी नाइस नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे है. द स्टेयर्स आर गुड, नॉट रियली स्टीप, दे आर शॉर्ट एंड ईजी टू क्लाइम. तो आइए देखते हैं, फर्दर इंजॉय करते हैं. अच्छा, मैंने थोड़ा सा रिसर्च कर दिया. थाई लोग बोलते हैं कि ये स्टेयर्स जो है ना, दीज स्टेयर्स आर एक्चुअली लीडिंग टू अ हेवन. ये तो शायद उनकी अपनी रिलीजन है, हमारे रिलीजन में तो इतना इजी नहीं है कि आपको बस थोड़ा सा स्टेयर्स के ऊपर चढ़ो और हेवन तक पहुंच जाओगे. बट इनका अपना बिलीफ है. लेट्स रिस्पेक्ट दैट. और अभी बहुत सारे स्टेप्स और लेने ऊपर चढ़ने के लिए, पसीने आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे. लेकिन बस आपको दिखाने के लिए इधर ऊपर चल रहा हूँ गोल्डन माउंटेन पे. लेकिन यहाँ की जो सीनिक व्यूज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो ये देखो, आपको दिखा लेता हूँ यहाँ की सीनिक कितनी खूबसूरत है यहाँ पे. ये देख, just to confirm, I'm Muslim, but this is just I'm doing for the sake of video and to experience it. I'm not doing any shirk, I'm not doing any sajda or anything to anybody. I'm just walking around to show you the beautiful temples here, just to show you the culture, how they love their religion, how they love their Buddhas, and the way they decorated their temples are awesome, very nice. So that's the whole purpose I'm just sharing with you guys. There's nothing else. Do not take off your shoe.
Actually guys, just enjoy the video. I don't have to get any clearance certificate from anybody. I'm alhamdulillah a very good Muslim. I know what I'm doing, and this is just for the tourism point of view. I'm sharing with you these videos, so just enjoy it and don't make any bad comments. If you like it, enjoy it. If you don't like it, it's still up to you. There's nothing wrong to see, basically. So I personally explore, and it's very beautiful. Look at the sceneries, guys. Look at the sceneries here. This is, I'm very far from Bangkok now. Bangkok is far from here. यहाँ से अंदर रास्ता है जाने के लिए. इधर इनका जो बुद्ध है ना, टेंपल है, बुद्ध है वो अंदर है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर अंदर सजदा वगैरह करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ. बाहर से आप लोगों के साथ पिक्चर खींच लूँगा. और ये देख मेरा कलर कितना रेड हो गया, पसीने आ रहा है. इसका रीज़न ये है कि आई जस्ट क्लाइम दिस बिग माउंटेन मैनेज. इट वॉज़न्ट ईजी, वेरी हार्ड टू क्लाइम. And the weather is also not very favorable nowadays because it's a little bit hot. So please bear with me and apologies. आ जाओ नीचे चल के देखते हैं ये फुट फ्रेंट ऑफ बुद्धा ये किधर है. मेरे ख्याल से तो जैसे कि आप देख रहे हो यही है बुद्धाज फुटप्रिंट. अभी मुझे पता नहीं है कि ये रियल में है या इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन जैसे श्रीलंका में हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, तो इसी तरह इन लोगों ने भी यहाँ पे ये रखा हुआ है. अभी गॉड नोस के दिस रियल और नॉट, लेकिन जो भी है यही है. अच्छा, ये वल्चर्स आप देख रहे हो जो डेड बॉडीज़ के साथ बैठे हुए हैं और डेड बॉडीज इंसानों को खा रहे हैं. तो ये भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि 1820 में किंग रामा II के दौर में यहाँ पे एक डिजीज़ आए हुए थे मलेशिया के नॉर्दर्न एरिया से, जो डिजीज़ का नाम था कोलेरा, और उनसे तकरीबन 30,000 लोग उस टाइम पे मरे थे. फिर 1849 और 1881 में फिर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे हुए थे, और तकरीबन 100 के हिसाब से डेली बेसिस पे लोग मरते थे. और उनको फिर सेंट्रल बैंकॉक और इन एरिया से ला के इसी एरिया में, ये जो टेंपल के इर्द गिर्द एरिया है यहीं पे उनको कुछ को दफना लेते थे, कुछ को ऐसे छोड़ लेते थे. तो फिर बाद में ये वल्चर्स आके इंसानों को खाते रहते थे वहाँ पे. तो ये भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हो गई इसकी, बाकी आप पूरे डिटेल में रीड कर सकते हैं. मेरा ट्रिप गोल्डन माउंटेन का और गोल्डन टेम्पल, और ये सेंट्रल बैंकॉक से थोड़ी सी दूर है, इतना ज़्यादा भी दूर नहीं है लेकिन है, थोड़ा फासला है. और यहाँ पे मैंने पूरा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा मुझे. अभी मैं वापस जा रहा हूँ, और ये जो लोकल बोट पे मैं बैठ के जा रहा हूँ, ये लोकल्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है. मैं अकेला टूरिस्ट इस बोट में घूम रहा हूँ लोकल्स के साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहले तो अकेले था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ रहे हैं,
और ये देख, जैसे कि आप देख रहे हो शाम हो गई है, तकरीबन मुझे आधा घंटा 45 मिनट लग गए इस बोट में बैठ के। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं सिटी के बीच बीच में से, छोटे छोटे ये जो कैनाल्स बने हुए हैं इसके अंदर से जा रहे हैं, तो बहुत ही अजीब सा एक एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। ये चीज़ें कभी देखी नहीं है, हमारे एरिया में तो है ही नहीं, और दुबई में भी समंदर है लेकिन ऐसे सिटी के अंदर जो है ना इस तरह से एडवेंचरस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं हुआ सोफा। तो अच्छा लग रहा है मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।